मन से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। 142 और 143 में गाथा चलेगी, पढ़ो। प्रत्यय की चर्चा विगत गाथाओं में बहुत विस्तार से अपन ने की। अब इसके बाद में इस गाथाओं में ये बताते हैं कि काल द्रव्य में जो ऊर्ज प्रत्यय है वो निरन्वय नहीं है। अब ये निरन्वय नहीं है, इसमें सब गोता खाते हैं। ये निरन्वय तो अपन ने 80वीं गाथा में उधर पढ़ा था कि अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण सो गुण और अन्वय का व्यतिरेक सो पर्याय। तो उसके बिना तो वो बात ही समझ में नहीं आती। किसी चीज का लगातार रहना उसका नाम है अन्वय। तो एक तो प्रदेश की अपेक्षा, इसमें भी इसमें असंख्य प्रदेशों में अन्वय है, माने वे एक दूसरे में से जुड़े हुए हैं, उनके एक दूसरे के बीच में अटूट संबंध है। माने ऐसा नहीं है कि वो फिर कभी अलग अलग हो जाएंगे, तो उसे अन्वय बोलते हैं। अब यहाँ कालद्रव्य की बात चल रही तो इसमें क्षेत्र का अन्वय तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक प्रदेश ही है। इसलिए कहते हैं इसमें काल का अन्वय होगा। काल का अन्वय वो छह द्रव्यों में होगा, माने अनादि से हैं वो अनंत काल तक रहेंगे। तो है लगातार है आएगा ना, तो ऐसा बोलो था है और है। वास्तव में इसका स्वरूप क्या है और है, तीन हैं। तो चूँ तीन है हमारी समझ में नहीं आते, इसलिए हमने एक है को था कह दिया, दूसरे को है कहा और तीसरे को होगा कह दिया। जब हम तीन दफे कहते हैं तो हम तीन काल की उसकी स्थिति को पकड़ रहे हैं। वो तीन काल में वो लगातार है, और तीन काल में तीन ही समय मत लेना। भूतकाल में अनंत समय भूतकाल के लेना, और भविष्य में उससे भी अनंत गुणे भविष्य काल के समय लेना। ये है और है का ये अर्थ है कि अनादि काल से लेके अनंत काल तक उन असंख्य जो पर्याय हैं, अनंत जो पर्याय हैं, उनमें अन्वय है। अन्वय है माने अटूट संबंध है, कोई जोड़ मोड़ नहीं है, उन्हें जोड़ दिया हो कहीं से ऐसा नहीं है। जो हमने भेद किए तो उसको तो भाई अंश कल्पना कहते हैं, और गए वृत्ति की अंश कल्पना। वृत्ति की अंश कल्पना कहते हैं ना, तो हमने कल्पना में अंश किए हैं, लेकिन वास्तव में वो अटूट है, उसमें द्रव्य में कोई टूटपन नहीं है। यदि काल द्रव्य में एक समय में उत्पाद और नाश पाया जाता है, काल द्रव्य में कहा तो ध्रुव तो है ही, काल द्रव्य बोला ना, तो वह काल भी स्वभाव से अवस्थित है। बोला था ना जीव अवस्थित है,
लेकिन वो अवस्थित हैं, अनवस्थित कैसे हैं, बदलते ना, लेकिन वो आकाश द्रव्य अवस्थित है, धर्म द्रव्य बताए थे ना। और ये तो फिर कहते हैं काल द्रव्य भी अवस्थित हो गया, वो भी अपनी एक आकाश के प्रदेश में अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। ये सिद्ध हो गया ना, उत्पाद व्यय प्रति समय उसमें होते हैं, और प्रति समय उत्पाद व्यय ध्रुव होते रहेंगे तो अनादिकाल से होते रहेंगे और अनंत काल तक होते रहेंगे, तो वो अवस्थित हो गया। इस प्रकार काल द्रव्य के प्रत्येक समय में उत्पाद व्यय और ध्रुव होते हैं। ऊपर तो दो ही बोले थे उत्पाद और नाश, नीचे ध्रुव और जोड़ दिया ना, ऊपर ध्रुव काल में ले लिया कि वो वस्तु है ना, वो ध्रुव है। इसी से कालाणु द्रव्य की सिद्धि होती है, माने कालाणु में द्रव्य की सिद्धि, माने द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। कल बताया था ना अस्ति काय, तो निषेध काय का करना है कायत्व का। काय माने बहुप्रदेशी, इस शरीर को काय क्यों बोलते हैं, काय ही इसका एक नाम है ना, तो इसमें अनंत परमाणु का पिंड है ना, इसलिए काय बोलते हैं। माने परमाणु द्रव्य नहीं है, परमाणु द्रव्य की पर्याय माने वो अनंत परमाणु द्रव्य का स्कंद है, इसलिए इसे काया बोलते हैं काय। अब देखो टीका पढ़ते हैं, इसमें भी राई की ओट में पहाड़ है, कठिन कुछ नहीं है, उपयोग को शांति से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। समय काल पदार्थ की वृत्ति का अंश है, वृत्तंश है। इस समय में ही कोमा लगा दिया ना, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आता, समय काल पदार्थ इकट्ठा जुड़ जाता है उससे, तो हमें इसे अलग करना है। समय काल पदार्थ की वृत्ति का अंश है, यानी काल पदार्थ की वृत्ति का अंश समय है, ऐसा। इस समय को हम यहाँ भी ला सकते हैं, माने समय की परिभाषा बताई, माने काल नामक द्रव्य है और वो अनादि अनंत है, वो अनादि अनंत बना है, वो है वृत्ति, और वो वृत्ति का अंश माने एक समय की पर्याय है ना। का समय, ये समय माने वो जो एक समय का काल द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा है ना, काल का, उसे समय बोलते हैं। वृत्ति का अंश है माने वृत्तंश है, ये उसी का पर्यायवाची है, मिला करके बोला है, वृत्ति प्लस अंश वृत्तंश संधि हो जाएगी ना। उक्त वृत्तंश में किसी भी उत्पाद और विनाश, किसी के भी उत्पाद और विनाश अवश्य संभवित है। अभी किसी के भी माने क्या, कि वो काल द्रव्य के उत्पाद और विनाश तो हो ही रहे, वो तो काल द्रव्य की बात है, लेकिन उसी एक समय में जीव द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में, किसी भी द्रव्य में, सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय और ध्रुव निरंतर होते रहेंगे। किसी उस उक्त वृत्तंश में किसी भी उत्पाद, किसी के भी उत्पाद और विनाश अवश्य संभवित है, अवश्य संभवित है माने अवश्य होंगे, संभवित होने में हमको लगता है संभावना है, हिंदी में ऐसा बहुत गड़बड़ होता है, संस्कृत का ये संभवित शब्द आता है ना, तो ये गुजराती वाले सब उसका अर्थ है नहीं, संभावना है ऐसा अर्थ करते हैं, जैसे वो प्रतिभाषा में करते हैं ना, वो तो मालूम पड़ता है नहीं ऐसा, जानते नहीं हैं वो, मालूम पड़ता है, जबकि उसका एक ही अर्थ है, वो अलग शब्द होने से अलग अर्थ होता है, लेकिन यहाँ जो भी अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ नहीं है, नहीं जानने रूप अर्थ नहीं है, क्योंकि समय रूपी वृत्तंश परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए कारण पूर्वक है। अब ये भाषा बहुत टेढ़ी है और ऐसा लगता है क्या क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया, कुछ नहीं है इसमें दम, इसका अर्थ ये है कि वो पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से अत्यंत नज़दीक के दूसरे प्रदेश में अत्यंत मंद गति से गमन करे तो जितना काल लगता है
उतना काल ये अर्थ है बस, इसमें से ये अर्थ है क्या। अब ये तो कम से कम 50 दफे रटा दिया अपन, ये शब्द में 50 दफे भूल गया हूँ 2-3 दिन में। और अब देखो और भी कोई बात नहीं है, अब आगे तात्पर्य में फिर खोला है, क्योंकि मैं तब जब तात्पर्य लिखा ना तब भी जानता था कि नहीं आएगा समझ में है ना। देखो तात्पर्य यह है कि परमाणु के द्वारा आकाश के एक प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करना कारण है, और समय रूपी वृत्तांश उस कारण का कार्य है, इसलिए उसमें किसी पदार्थ के उत्पाद विनाश होते रहना चाहिए। मैंने कार्य और कारण दोनों उन्होंने मिला दिया, कहते वो समय उसको हमने कार्य कहा, तो कारण क्या है, कहते वो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पुद्गल के परमाणु का गमन, वो है कारण और ये है कार्य। आप समझे ना, इसमें वैसा एक ही द्रव्य का परिणाम उसी के द्रव्य में होता ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा कार्य कारण घटित किया है। अब यदि कोई कहे, अब ये जो बात अभी कह दी ना ऊपर, इसी बात को सिद्ध करना है। यदि कोई कहे, मैंने आचार्य अपनी तरफ से ही प्रश्न करते हैं कि किसी पदार्थ के उत्पाद नाश होने की क्या आवश्यकता है, उसके स्थान पर वृत्तांश को ही उत्पाद विनाश होते मान लो तो क्या आपत्ति है, ये प्रश्न समझ में आया। उन्हें कहा था ना किसी पदार्थ के उत्पाद व्यय होते रहना चाहिए, जो मैंने विशेष ध्यान दिलाया था उस शब्द पर। तो कहते किसी पदार्थ की बात क्यों करते हो, उसी में है ना वृत्ति कही, वो वृत्ति उत्पन्न हुई, पूर्व वृत्ति नष्ट हुई। अपन ऐसे ही करते हैं, उस समय बोलते हैं ना, समय माने वृत्ति, वो एक समय तो कहते वो ही उत्पन्न हुआ और वो विनाश हुआ और उसी में ध्रुव रहा, तो एक ही समय में ही मान लो किसी पदार्थ का जोड़ने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है, समझ गए ना। क्या देखो उसके, यदि कोई कहे कि किसी पदार्थ के उत्पाद नाश होने की क्या आवश्यकता है, उसके स्थान पर उक्त वृत्तांश, वृत्तांश माने समय को भी उत्पाद विनाश होते मान लो, कि भाई समय पैदा हुआ समय नष्ट हुआ ऐसा मान लो, समय कायम रहा तो एक समय में ही घटित हो जाएगा। तो मैंने कल बताया था वो राग का उदाहरण दे करके कि राग भी पर्याय है और एक निरपेक्ष पर्याय है, प्रत्येक द्रव जो परिणमित होता है तो राग रूप परिणमित हुआ, तो बोलते राग समासार में का राग पर्याय नहीं है, पर्याय की उपाधि है। तो जब उन्होंने पर्यायों का निषेध किया तो वो उपाधियों का निषेध किया, पर्याय तो उसका अखंड में चली गई, कल कहा था ना ये। तो वो कहते ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं कि यदि उत्पाद और विनाश वृत्तांश के ही माने जावे, माने उस एक समय की पर्याय में ही मान लें हम, वो कुछ लोग तो अपने मुमुक्षु ऐसा कहते हैं उत्पाद और पर्याय में वो ध्रुव द्रव्य में इस तरह हो गया, वो एक चीज में ही घटित नहीं करते, वो द्रव्य में ध्रुव बना द्रव्य में और उत्पाद व्यय पर्याय में है, ऐसे दोनों में मिला करके उत्पाद में ध्रुव हो गया। वो कहते एक ही वस्तु में तीनों घटित होना चाहिए, इसे पढ़ोगे आप तो बार बार ये लिखा मिलेगा। यदि उत्पाद और विनाश वृत्तांश के ही माने जावे, वृत्तांश का अर्थ तो ख्याल में है ना क्या है, हाँ। वो जो उसमें पर्याय हुई है एक समय में वो, तो फिर प्रश्न होता है कि उत्पाद विनाश एक साथ होते हैं कि क्रमशः, यदि तुम वो कहते उसके ही माने तो वे क्रम से होंगे आगे पीछे कि एक साथ होंगे। अब प्रश्न तो यही है कि एक समय में तीनों होना है, अब एक समय में तीनों कहेंगे तो समय में तो अंश होते ही नहीं, तो वृत्ति के तो अंश होते ही नहीं, तो वृत्ति में कैसे माने जा सकते, क्रम होने के लिए तो दो होना चाहिए ना, एक साथ तो घटित तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही समय में एक के परस्पर विरोधी दो धर्म नहीं होते, अब उत्पाद और व्यय दोनों धर्म एक साथ कैसे होंगे,
तो एक समय में कह नहीं सकते, और अनेक समय में कहोगे तो हम दो समय में गए, तो दो समय में जाते ही तो वो पर्याय का लक्षण नहीं रहा, वो तो द्रव्य का लक्षण हो गया। एक साथ तो घटित नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही समय में एक दूसरे के परस्पर विरोधी दो धर्म नहीं होते, और यदि क्रमशः होते हैं यह कहा जाए तो क्रम नहीं बनता, क्योंकि वृत्तंश के सूक्ष्म होने से उसमें विभाग का अभाव है। तो क्रम में तो विभाग चाहिए ना, और विभाग का अभाव है। वस्तुतः वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। अभी वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए, ऐसा लगता है बहुत रिसर्च डिपार्टमेंट लगेगी, पुलिस लगेगी, वो डाकू को खोजा जाएगा। ये तो ये कह रहे हैं कि जो कोई चीज़ एक जाए और एक आए, समझे ना, तो ऐसे कोई पदार्थ की खोज करो जिसमें कम से कम दो समय का तो हो, एक समय में नहीं हो पाएगा वो, तो वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। माने उस द्रव्य वृत्ति तो एक समय की है, और अनेक समय का जो द्रव्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। बस वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। कहाँ गया? मैं उंगली रखे रहता हूँ फिर भी उंगली हट जाती है, तो गायब हो जाता है। और जो वृत्ति की खोज की जानी चाहिए, इस वक्त लग रहा था ना बहुत बड़ा दिक्कत आ गई, और कह दई और वृत्तिमान काल पदार्थ ही है, खोज हो गई। क्या कह रहे हैं अपने दिगंबरों भी ऐसे हैं बहुत, कि समय जो है ना, समय घड़ी घंटा, हम इसे ही काल समझते हैं। वो एक काल पदार्थ है जिसको हमने द्रव संग्रह में पढ़ा है कि आकाश के एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान स्थित है वो काल द्रव। हमारी समझ में नहीं आता क्या है, हम तो यही घड़ी घंटा पल इसी को काल समझते हैं। और वो है वृत्तिमान, और ये है वृत्ति, और एक वृत्ति में तीन चीज़ें एक साथ घटित हो नहीं सकती हैं, इसलिए वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। माने हमें वो काल द्रव्य की स्वीकृति करना चाहिए। तो अभी वो कहेंगे इस तरह काल द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हुआ, कायत्व तो नहीं, अकेला अस्तित्व। अस्तित्व सिद्ध होने के लिए क्या जरूरी है? देखो, उत्पाद भय ध्रुवयुक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। तो उत्पाद भय ध्रुव जरूरी है, और उत्पाद भय ध्रुव वृत्ति में होते हैं, त्रिजग प्रचय में नहीं होते, वृत्ति में होते ना, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। उस काल पदार्थ को वस्तुतः एक वृत्तांश में भी उत्पाद और विनाश होना अशक्य नहीं है। अब उस काल पदार्थ को मान लेंगे तो फिर एक समय में हम उत्पाद और विनाश कहेंगे तो अशक्य नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना अवकाश है कि हम कह देंगे पूर्व पर्याय की अपेक्षा विनाश। उस पूर्व पर्याय को लेंगे नहीं, क्योंकि अपन कहें दो समय में हो गया, पहले समय में हो गया विनाश और दूसरे समय में हो गया उत्पाद, तो दो समय में हो गया। ये शंका समझ में आती कि नहीं? नहीं आएगी तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। अब उत्तर ये दे रहे हैं कि पहले समय में तो वो था, उसका विनाश कहाँ था, समझ में ना? फिर जब इस समय में आया तो उसका विनाश हुआ, तो विनाश नामक धर्म एक समय पहले कहाँ है? ये तो ये वर्तमान में ही हो गया ना, और नई पर्याय आ गई तो उत्पाद भी वर्तमान में हो गया और विनाश भी वर्तमान में हो गया। और ध्रुवपना मन वो कंटिन्यूटी तो है ही, वो ध्रुव तो कहीं चला नहीं गया, ध्रुवपना भी हो गया। आया तेरी समझ में? तेरी आंखों से नहीं लगता कि तेरी समझ में आया, तुझसे कह रहा हूँ। है बता बता। फिर कहता हूँ एक समय पहले की अपेक्षा हमने कहा कि इसका इसमें अभाव है, तो इस समय तो उसका सद्भाव ही है, तो पूर्व समय में तो अभाव नहीं है ना, तो अभाव उसका अस्तित्व तो नहीं,
अभाव का अस्तित्व तो अगले ही समय में है ना, पर अगले समय में इसके अभाव का अस्तित्व है और नई पर्याय उत्पन्न हो गई तो उसके उत्पाद का अस्तित्व है, तो दोनों एक ही समय में हो गए ना। और वस्तु तो हमेशा त्रिकाल रहती ही है, तो ध्रुव तो है ही, तो एक समय में उत्पाद व्यय और ध्रुव तीनों हो गए। यदि वो त्रिकाल नहीं माने तो टुकड़ा हो जाएंगे वहां से, तो है वस्तु अखंड, माने वो जो समय की पर्याय है वो अपने पूर्व पर्याय से भी जुड़ी है और उत्तर पर्याय से भी जुड़ी है, उन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, है ना। इस वो आता है ना कि कालानु षटकोण होता है, परमाणु षटकोण होता है ना, और वो आकाश का प्रदेश भी षटकोण होता है, क्योंकि आकाश के हम टुकड़े करेंगे ना, हमने इतने अंश किए ना, तो यदि गोल गोल करते तो हम इतने गोल गोल करते जाएंगे तो बीच में स्पेस छूट जाएगी। समझ में आ रहा है ये बात, तो विद्यार्थियों को तो आना चाहिए, आप लोगों को भी आ गया होगा, छूट जाएगा ना। तो षटकोण का होगा तो तारों छह तरफ से उसमें दूसरी चीज चिपकेगी तो उसमें स्पेस नहीं होगा, तो प्रदेश में भी षटकोण होना चाहिए, परमाणु भी षटकोण होना चाहिए और कालानु भी षटकोण होना चाहिए, आइए ना, तब वो स्पेस बाकी नहीं बचेगी, नहीं तो स्पेस बाकी बची रहेगी। गोल गोल अपने गोलियां हैं 150 और एक अपन ने इसमें कटोरे में रखी या तो 80 cc में रखी, तो उसमें बीच में स्पेस रहेगा। वे पत्ती हैं कैसी, कांच की हैं समझ लो, वो कांच के अंदर पानी तो नहीं घुस सकता, लेकिन फिर भी एक गिलास पानी बन जाएगा उसमें। अब वे षटकोण की वही कांच की में लगाओ और उसमें व्यवस्थित ढंग से बैठा दो तो फिर उसमें पानी नहीं जाएगा। हाँ मैं समझ लो जी क्या कह रहे हो, तुम समझ लेना, कोई विज्ञान में कोई शब्द होगा वो बोल रहे होंगे, बात तो यही है, मतलब समझ गए ना, कोई स्पेस नहीं बचना चाहिए उसके लिए, वो षटकोण वाली बात है। हाँ अब अपन कहाँ हैं, यदि कोई कहे वृत्तिमान की खोज की जाना चाहिए, वृत्तिमान काल पदार्थ ही है, उस काल पदार्थ को वस्तुतः एक वृत्तांश में भी उत्पाद और विनाश होना अशक्य नहीं है, क्योंकि जिस वृत्तिमान के जिस वृत्तांश में, वृत्तिमान माने पदार्थ वस्तु और वृत्तांश माने पर्याय में, उस वृत्तांश की अपेक्षा से जो उत्पाद है वही उत्पाद उसी वृत्तिमान के उसी वृत्तांश में पूर्व वृत्तांश की अपेक्षा विनाश है। एक तीन चार वृत्तांश हो गए, कुछ नहीं है, कह रहा ये जो वृत्तांश है इसमें पहले के वृत्तांश का अभाव हो गया है, तो वो हो गया व्यय, वो व्यय नाम का धर्म इस पर्याय में है। अब पूर्व में नहीं, पूर्व की तो अपेक्षा है, हमें समझाने के लिए हमने पूर्व की अपेक्षा लगाई, अब हम समझ गए, अब हमें क्या करना, उस वर्तमान पर्याय में उत्पाद में ध्रुव बिल्कुल निरपेक्ष हो गए ना, अब उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं है। जब समझने समझाने का काम होगा तो कोई वक्ता फिर अपेक्षा लगाएगा, लेकिन उसे उसे रहने में तो कोई अपेक्षा नहीं है ना। वही उत्पाद उसी वर्तमान के वृत्तांश में पूर्व वृत्तांश की अपेक्षा से विनाश है, यदि इस प्रकार उत्पाद विनाश एक वृत्तांश में भी संभव है, एक पर्याय में उत्पाद विनाश संभव है, तो फिर काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है, फिर काल पदार्थ निरन्वय नहीं होगा, माने उसमें अन्वय होगा ही, वो कंटिन्यूटी उसमें कायम रहेगी, ये निरन्वय है। पहले और बाद के वृत्तांशों की अपेक्षा युगपद विनाश उत्पाद को प्राप्त होता हुआ भी काल द्रव्य स्वभाव से अविनिष्ट और अनुत्पन्न होने से, स्वभाव से न वो नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, अवस्थित ही है, ध्रुव ही है, इसलिए वो काल ध्रुव है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, है ना। इस प्रकार काल पदार्थ एक वृत्तांश में उत्पाद व द्रव्य वाला सिद्ध होता है,
उत्पाद व्यय विधव वाला सिद्ध होता है, माने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, माने सत सिद्ध होता है, हैं वो सत द्रव्य लक्षणम यानी द्रव्य सिद्ध होता है, माने अस्तित्व वाला द्रव्य सिद्ध होता है, माने उसका भी अस्तित्व है। तो निषेध क्या किया था तुमने कि हमने वो कायत्व का निषेध किया था, काय का निषेध किया, कायत्व माने बहुप्रदेशी बना। तो फिर इतना झगड़ा क्यों खड़ा हो गया, क्योंकि हमने वो उसे कायत्व को अस्थि काय कह दिया था। तो हमने जो काय की अस्थिपने की बात करी थी, काय का अस्थिपना नहीं है उसमें, और तुमने अस्थिपना नहीं है और कायपना नहीं है, दो का निषेध समझ लिया। सप्तभंगी में ऐसा बहुत होता है, वो होते हैं ना दुभंगी त्रिभंगी होते हैं, एक भंग फिर दो भंग और त्रिभंग, कैसे बताओ। स्याद अस्थि अवक्तव्य का माने क्या है, माने अस्थि नाम का धर्म भी है और अवक्तव्य नाम का धर्म भी है, माने दो धर्म हैं, ऐसा अस्थि अवक्तव्य। और ऐसा अर्थ करते हैं बहुत विद्वान, हम भी करते थे पहले, कि अस्थि नहीं कही जा सकती, इसलिए अस्थि अवक्तव्य, और नास्ति नहीं कही जा सकती तो नास्ति अवक्तव्य, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें दो धर्म है, एक अस्थि और अवक्तव्य मिला करके एक तीसरा धर्म है, तो वो धर्म तो एक ही है लेकिन उसमें दो का मिक्सर है, और दो मिक्सर मिक्सर नहीं है, वो तीसरा धर्म अलग है परमात्मा। और इतनी दो तीन बातें हैं बहुत मार्मिक सूक्ष्म, जो समझ में आ जाए तो सब है नहीं, उन्हीं तो चक्कर खाते रहना, वो सप्तभंगी भी पढ़ते रहना, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया था ना एक बहुत बड़े विद्वान का, उनने कहा कि समंत भद्राचार्य को उनने भी सात भंग नहीं घटा पाए थे, क्यों कि उनने लिख लिया शेष भंगाश नेतव्या यथार्थ नए योग्यता, कि भाई चार मैंने लगा दिए और बाकी तीन भंग तुम यथा योग्य नए से लगा लेना। कि तुम लगाए क्यों नहीं बता दिए, लगते नहीं थे उनसे, तो शिष्य बेताल दिया तो तुम लगा देना, और शिष्यों को पढ़ाने वाले गुरु जी हैं, वे भी कह देते हैं कि तुम लगा देना, उन पर कोई लगाता ही नहीं है, और फिर वो ऐसे ही चले चले चलते रहते हैं। वे इसके प्रोफेसर थे उस विश्वविद्यालय में, उदयपुर विश्वविद्यालय में, उससे रिटायर्ड हुए और सप्तभंगी के सात भंग पूरी तरह स्पष्ट समझ में नहीं आते। अपने नए इसमें नयों में प्रचंड सार के 47 नयों में जब ये सात भंग वहाँ भी समझाए हैं, सात है ना, तो बहुत अच्छी तरह समझाए हैं। हो गया ना, सिद्ध असिद्ध होता है। इस प्रकार काल पदार्थ एक वृत्यंश में भी, मान एक वृत्यंश में माने एक पर्याय में, एक समय में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों चीज़ें उसमें हैं, इसलिए वो द्रव्य है और इसलिए उसका अस्तित्व है। सत माने अस्तित्व है, ये सत्ता वाला द्रव्य है, अस्थि अस्थि वाला द्रव्य है, और कायपने का निषेध किया। तुमने कहा क्या है, तुमने इसे क्यों निषेध काय को किया था, ऐसे ही वो अप्रदेशी में उसे अप्रदेशी कह दिया था, वो एक प्रदेशी। तो उन्होंने कहा बहुत के निर्देश, बहुपना अनेक प्रदेशी नहीं है, इसके निषेध के लिए हमने अप्रदेशी कह दिया, अब इसको संभालो। इसके निषेध के लिए एक प्रदेशी भी तो कह सकते थे, तो उसके में प्रदेश वाला और प्रदेश वाला नहीं, ऐसे दो भेद नहीं होते, उसमें दिक्कत ये थी ना कि एक प्रदेश वाला और बहुत प्रदेश वाला, तो प्रदेश वाला ही प्रदेश वाला रहा ना, वो अपर पक्ष नहीं आया, इसलिए हमने उस तरह से निषेध किया था। समझा तो पूरा दिया है, अब जो इसके पीछे लिखा है, तीन पंक्तियां तो टीका की बात बाकी हैं, बाकी सब
अपन ने समझाया है इसमें इन्हीं के आधार पर, जिस प्रकार काल पदार्थ के एक वृत्तांश में उत्पाद व द्रव्य होते हैं, मतलब अभी सिद्ध किया ना ये एक एक पर्याय में तीनों, उसी प्रकार काल द्रव्य के सभी वृत्तांशों में उत्पाद व द्रव्य पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, हमने एक में सिद्ध कर दिया तो एक में होते हैं मान लेंगे, कहते नहीं एक में सिद्ध हुआ तो अनेक में सिद्ध हो गया, माने इस समय के उत्पाद व द्रव्य हैं, एक समय बाद उस समय के उत्पाद व द्रव्य होंगे, फिर एक समय बाद उस समय के उत्पाद व द्रव्य होंगे, ऐसे भूतकाल में भी लगाना, तो प्रत्येक समय में वो उत्पाद में द्रव्य वाला है, ये बात सिद्ध हो गई। यह बात युक्ति संगत है क्योंकि विशेष अस्तित्व सामान्य अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता। सामान्य और विशेष काल पदार्थ की सिद्धि से काल पदार्थ की सिद्धि होती है, फिर भी यही बस कुछ नहीं, सीधी सरल बात है और न्याय की भाषा है, सामान्य के बिना विशेष नहीं होता। वो क्या कह रहे हैं, जब सामान्य माने हर काल द्रव्य के अंश में उत्पाद व द्रव्य है तो सामान्य हो गया, इसलिए इस समय भी उत्पाद व द्रव्य है, ये विशेष हो गया। एक जीव के दो आंखें होती हैं मनुष्य के, यदि ये सिद्ध हो जाए कि मनुष्य के दो आंखें होती हैं तो सब मनुष्यों के दो आंखें होती हैं, क्यों सब मनुष्यों के दो आंखें नहीं हों तो एक के दो आंखें नहीं हो सकती, एक कहते सामान्य के बिना विशेष की सिद्धि नहीं होती, माने वो बात कॉमन होनी चाहिए। ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन करना सीखते हैं तो वे हजारों मरीजों को नहीं काटते फिरते हैं, पर एक दो को मुश्किल से उन्हें जिंदगी में एक दो मुर्दे ही, वो जिंदा नहीं मुर्दे काटने को मिलते हैं, और फिर जो दूसरा ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा हो तो उसके बगल में खड़े होके देख लो, तो फिर सब मनुष्यों का किसी का भी हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं, कौन से सिद्धांत से, सामान्य विशेष से, एक में जो होगा वो सब में वैसा ही होगा। एक में यदि बाईं तरफ हार्ट है तो 99% सब जगह बाईं तरफ ही हार्ट होगा, एक आध ऐसा निकलता है, इधर निकल जाता है तो फिर बहुत भल्ला होता है, अखबारों में आता है, उसे गलतियां भी बहुत हो जाती हैं, पहले इधर चीरा फाड़ी कर लेते हैं, जब वहाँ नहीं मिलता है तो घबराते हैं, तो इधर चीरा फाड़ी करते हैं तो वहाँ मिल जाता है। मतलब सामान्य का विशेषकार समझ में आ गया ना, कि जो एक चीज में सिद्ध हो, सब में सिद्ध हो जाएगी तो एक में सिद्ध हो जाएगी, एक में सिद्ध हो जाएगी तो सब में सिद्ध हो जाएगी। एक बहुत बढ़िया गाथा में आया है कि एक पदार्थ को पूरी तरह जानता है, पूरी तरह मैंने द्रव्यगुण पर्याय से पूरी तरह जानता है, सर्वद्रव्य उसके अनंत गुण उनकी सब पर्यायों को जानता है, वो सबको जानता है, है? और जो सबको जानता है वो एक को जानता है, जो एक को पूरी तरह नहीं जानेगा तो सबको जानने का सवाल नहीं है, है? क्या पढ़ो पढ़ो सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। जाने नहीं योग पद त्रिकारे अर्थ जो त्रय लोके के पहचान सकता है नहीं, पर सहित एक द्रव्य को एक द्रव्य को पर सहित यदि जाने जीव तो दो ही तरफ से है, एक पदार्थ को उसके अनंत गुण और उसकी अनंत पर्यायों से जान लिया तो सब द्रव्यों के अनंत गुण हैं और हर एक की अनंत अनंत पर्याय हैं, तो इसको जान लिया तो सबको जान लिया, एक को जाना तो सबको जान लिया और सबको जाना तो एक को जान लिया। मेरे कहने का मतलब एक को भी
पूरी तरह नहीं जाने तो वो सबको भी नहीं जान सकता, एक को भी नहीं। वो जो 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 सर्वज्ञ नहीं है, जो सबको नहीं जानता है, वो पूरी तरह एक को भी नहीं जानता। अनंत भगवान है ना, ये सारे लोकालोक को जानते हैं, तो वे हमारे आत्मा को भी जानते हैं और खुद की आत्मा को भी जानते हैं। अब अपन लोग यहाँ भी सर्वज्ञ नहीं हैं, तो अपन अरहंत के आत्मा को नहीं जानते और दूसरों के आत्मा को नहीं जानते और अपने आत्मा को भी पूरी तरह नहीं जानते। और केवल ज्ञान हो जाता है नहीं जाने के, हाँ हो जाता, घबराना नहीं, वो केवल ज्ञान की बात बाद में कर लेंगे, पहले नहीं जानता ये मानो। क्यों? क्यों भी केवल ज्ञान में वे सूक्ष्म पर्यायें आती हैं अनंत अनंत, वो तुम्हारे ज्ञान में कहाँ आती? अनंत काल तक तुम कब किस समय तुम्हारी कौन सी गुण की कौन सी पर्याय क्या होगी तुम्हारे ज्ञान में है? सब पर्यायें निश्चित हैं, इतना तो ज्ञान में है, आगम से, तर्क से, युक्ति से, प्रत्यक्ष तो ये भी पता नहीं है, हैं? और आगम युक्ति से भी पता नहीं है किसकी क्या कितनी, हर एक की अलग अलग थोड़ी लिखी, हर एक की पर्याय बदलती है और वो सुनिश्चित होती है। तो इतना जाना तो जानना हो गया ना उस पर्याय का, फिर तो पूरा नहीं जाना, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया होगा, लेकिन केवल ज्ञान हो जाएगा। माने सम्यक दर्शन प्राप्ति करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना ही जानना जरूरी है। वो किस समय क्या क्या होगा ये जानना जरूरी नहीं है, सब कुछ सुनिश्चित है, ऐसा भगवान की वाणी में आया है, युक्ति और आगम से जचता है। इतना मानो तो सम्यक दर्शन होता है, इतना मानो तो केवल ज्ञान होता है। तो जितना जरूरी है उतना ज्ञान हो जाता है। फिर बोलो छंद को, अब स्वर ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक छंद है आगम के लिए, ये तो बिल्कुल को दिमाग में 24 घंटा रहना चाहिए और समाधि मरण में ये पढ़ना चाहिए, ऐसी चीज़ें ये समझे ना, वो कि नमो का मंत्र नमो का नमो रंतरम, एक दफे हो गई, जान लिया सब पंच परमेश जी को नमस्कार। अब लाख बार करो, हजार बार करो, वही करते रहोगे, कुछ और भी तो सोचना है कि नहीं? बोलो पढ़ो। को आप जानना भी कह सकते हैं और नहीं जानना भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे आप पूछो, क्यों डॉक्टर साहब हमारे इधर हार्ट किधर है, किडनी किधर है, आप जानते हो? कि मैं तो देखे नहीं आपके, ऐसे कहता है डॉक्टर कि मैंने नहीं देखे, अभी देखूंगा जब बताऊंगा कि है कि नहीं है। अपन ऐसा तो कहते मुँह रखने से डॉक्टर से बात नहीं करो। वो कहता हम सब जानते हैं, रग रग जानते हैं, कहता ना कितनी दृढ़ता से कहता है, उसने अभी देखा नहीं है खोल के, फिर भी कहता है ना, क्योंकि उसने एक को बहुत बारीकी से देखा है, तो सबके ऐसे ही हैं और इसमें कितनी अटूट श्रद्धा है। ऐसे ही हमने आगम से, युक्ति से, एक जगह से एक निर्णय कर लिया तो वैसे ही सब द्रव्यों में नियम से होते हैं, वो हमारे ज्ञान में आ गए। तो हमने अस्तित्व और अस्तिकायत्व पांच द्रव्यों में हैं, तो ये काल द्रव्य को छोड़कर, तो हमने इस सब द्रव्यों का अस्तिकायत्व जान लिया। बोलो कि हम तो देखेंगे अभी, हमने ज्ञान नहीं जाए। अरे हो गया अभी, ये जो अपना काम ये गाथा पढ़ी और इसका अर्थ जाना, तो लोकालोक के सब द्रव्यों का स्वरूप जान लिया, अकेले एक द्रव्य का स्वरूप नहीं जाना है। और उसमें पाव रत्ती भी अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है, समझ में आया ना, ये इसको ज्ञान कहते हैं। ऐसा कैसे, ऐसे ज्ञान कैसे, तो चमड़े की आँख से देखेगा तो तू उसे ज्ञान मानता है, और इसको ज्ञान ही नहीं मानता है।
एक जगह मैंने पढ़ा था, देखो जानो देखो जानो। तो मैं देखो जानो ये क्या क्या कह रही है, देखो जानो कि तुम्हारा संबंध ही गे गया, एक संबंध है पर से, बाकी पर का तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हो। तो देखो जानो नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो तुम्हारा स्वभाव है उसके लिए कह रहे हैं। अपने को देखो जानो ये कहना चाहिए, सबको देखो जानो क्यों कह रहे, तुम्हारे स्वभाव है ना, तुम्हारे स्वभाव का प्रतिपादन है। यदि ये नहीं बताएंगे शांति जी तो क्या हानि है, क्योंकि तुम समझोगे अपने को देखना जानना था, अब तुम दिख गए तो हमसे ये अपराध हो गया। तो जो बिल्कुल अपराध नहीं है उसको हम अपराध मान लेंगे कैलासन जी, पर सब मानते हैं। अब आप ऐसा ध्यान करते होते हैं ना, तो ऐसे में कहता अपना आत्मा का ध्यान करो, और ऐसे अपने बच्चे की याद आ गई, बाप की याद आ गई, तो मिर्च हो गए लगता ना, क्यों लगता कि नहीं लगता, बोलो अपन को गलती हो गई, हमें पर को नहीं जानना था वो हमारा पर जानने में आ गया। सब मानते हैं ये गलती, सारे पंडित सारे मुनिराज सब मानते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो ज्ञान का गे, जिस क्रमगत पर्याय में ज्ञान की गे पर्याय निश्चित है, तो ज्ञान में आ गई। तो वो तो कल बोला था कौन सा शब्द है कि वो हमारा स्वरूप संपदा है, वो तो हमारे स्वरूप में से आया, आ गई ना। तो अब हम क्या करें, फिर क्या करें, जान लो इसे भी जान लो, ये भी तुम्हारे ज्ञान का गेय बन गया है। अब और करोगे क्या, नहीं नहीं ये ऐसा गड़बड़ हो गया हो तो नहा तो लेना चाहिए ना है, क्यों तो अब स्नान घर को जानो, पानी को जानो, फिर और कितने कितने पर को जानने का अपराध हो जाएगा। अरे ये कहते हैं वो जो जो निषेध किया है वो तुम्हें जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, समझे ना, आ गई जानने में तो ठीक है, स्वभाव है, नहीं आई तो नहीं आई, उससे कुछ। और अपने आत्माओं के जानने से हमारा ध्यान कहलाता है, वो उपयोग रमता है अपने में, वो हमारी उससे सिद्धि होती है, तो उसमें हमको ये रहेगी। मैंने कल कहा था ना कि मरने के लिए कुछ नहीं करना है और जिंदा रहने के लिए करना है, क्या समझे, मरने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पर के जानने के लिए कुछ नहीं करना है और अपने जानने के लिए करना है। अभी आता रहेगा श्रेणी में भी, पर जानने में आता रहता है, केवल ज्ञान होने के बाद भी पर जानने में आता रहता है, उन्हें तो कोई कहीं बंद बंद नहीं होता, नहीं नहीं वो कौन से पाप का बंद हो जाएगा, कोई महान पाप का बंद हो जाएगा। मैं तो बता रहा था कोई शांति जी, मैं फिर भूल जाऊँगा, दिन में भूल गया हूँ, मुझे आप चार पाँच लोगों को बैठा कर बात करनी है, तो आप मेरे से पूछना किन किन को बैठाना है, कहाँ बैठाना है, नक्की करना, और फिर मैं बताऊँ। मुझे कोई तत्व की बात बड़ी समझानी है, लेकिन उन चार पांच लोगों को ही समझानी है, मैं फिर भूल जाऊँगा, है ना। तो इस दृष्टि से मतलब सिर्फ एक फर्क इतने का था, अब हमने वो जानने को अपराध मान लिया। वो कहता कि हमारा निगाह उधर चली गई, आप समझे ना, जैसे हमें इधर गए और वो बाथरूम के कबाड़ नहीं लगे थे तो हमने एकदम कबाड़ खोल दिया, तो यहाँ कोई नहा रहा था तो उसे हमने अर्धनग्न अवस्था में देख लिया। अब अरे अब मेरे भैया देखो, अब मेरा इतना महापाप हो गया, तीन दिन का उपवास करूँ, क्या करें क्या करें, वो कैसे धुलेगा, कितना पाप लगेगा इसका, एक किलो के दो किलो ये पूछते हैं है? मुझे नहीं देखना चाहिए था, मैंने देख लिया है? क्यों अरे क्या है? तेरे को तूने खोलते ही दिखा तो तत्काल बंद कर दी थी ना, हाँ तत्काल बंद कर दी, बोला बोतल तो तेरे में निषेध बुद्धि, गुरुदेव बोलते थे निषेध बुद्धि आ गई ना उसी समय, तो तेरा परिमार्जन तो उसी वक्त हो गया। क्या अब समझ में आया कि नहीं आया, तेरे दिमाग में उसी क्षण निषेध बुद्धि आ गई ना कि ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं जानना है, निषेध काम हो गया बस खत्म, अब और कौन सा प्राश्चित लेना है तेरे, हो गया प्राश्चित, फिर पश्चाताप हो गया, गलती हो गई, तूने स्वीकार कर ली। तो ऐसे ही फिर दिन भर यही करते रहो, ज्ञान का गे तो अपनी योग्यता के अनुसार पर पदार्थ होंगे और तुम प्रति समय प्राश्चित ही लेते रहना है?
तुम प्रायश्चित ही लेते रहना है, ऐसे कुछ नहीं। वो शांति से हम अपने निर्मलता से अपने परिणाम को विचार करते हैं, चिंतन करना ये तो है। उसमें स्व और पर जैसा मेरा आत्मा है ऐसे सबके आत्मा है, जैसा मेरा हार्ट है ऐसे सबके ही हार्ट होंगे। निर्णय करता ना तो सबका ज्ञान कर रहा है ना, वो दूसरे का किया हार्ट को खोल के देखा तो अपना तो खोल के कोई देखता नहीं, दूसरे का खोल के देखता है ना। तो ऐसा ही मेरा है, ऐसा हो जाता कि नहीं, मेरे अंदर भी ऐसा ही हार्ट है। तो पर को जान कर अपने का ज्ञान हो जाता, अपने भी जान कर पर का हो जाता है। इसलिए क्या चीज है, क्या स्वभाव है, क्या वस्तु है, क्या करना है, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, यही निर्णय हमारे ज्ञान में नहीं हुआ। क्या हमारा स्वभाव है ये निर्णय नहीं हुआ, तो हम जो बिल्कुल अपराध नहीं है उसे अपराध मान मान के डरते रहेंगे और प्रायश्चित लेते रहेंगे उसका। जो अपराध है उसे धर्म मान के बैठे रहेंगे तो और डबल डबल करते रहेंगे है? तो इसलिए हम कोई इस दृष्टि से क्या एंगल है वो हमें गहराई से समझना चाहिए।